और हर रोज इस शो में आप मनोरंजन भारती जी को देखते हैं, लेकिन इस वक्त वो चुनावी दौरे पर राजस्थान में है। स्टूडियो से मैं आपके साथ आज इस बड़े विषय पर चर्चा करूंगा, जिसमें कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मनोरंजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका जुड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बारीकियों पर वो ही महत्वपूर्ण तरीके से बात बता पाएंगे। लेकिन मुद्दा क्या है वो आपको समझा देता हूं। पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा सीट पर आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब पहले तो कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर ने नाराज होकर फोन बंद कर लिया, फिर डूंगरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की स्थिति में सामूहिक इस्तीफा देने की बात तक कह दी गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डूंगरपुर वल्लभ पाटीदार ने कहा कि सिंबल देने के बाद पार्टी आलाकमान कदम पीछे लेने का निर्णय अकेले नहीं कर सकती, इस कदम से तो जिले में कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी। इसमें कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी भी उजागर हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में पल पल सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। स्थानीय नेताओं द्वारा पहले तो अर्जुन सिंह बामनिया को उतारने का ऐलान किया गया, लेकिन अंतिम समय पर इस सीट पर अरविंद सीता डामोर ने अपना नामांकन कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर दर्ज करा दिया। लेकिन बीएपी प्रत्याशी राजकुमार रोत के गठबंधन की अपील के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ट्वीट कर गठबंधन की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि अब कांग्रेस ने आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। रंधावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस आगामी चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदौरा विधानसभा के उपचुनाव में करेगी। भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाना उनकी प्राथमिकता है, ये उन्होंने कहा। साथ ही अब बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राजकुमार रोत के बीच सीधा मुकाबला होगा। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के इस फैसले का तो स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र मीना ने कांग्रेस के लिए आभार प्रकट किया, कहा कि भारत आदिवासी पार्टी अब और मजबूती के साथ संवैधानिक मूल्यों को बचाने और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उनसे पहले राजकुमार रोत ने कहा था कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सीट को छोड़ती है तो हम और यहां के समस्त रहवासी कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। अलवर और भरतपुर में भी रोचक मुकाबला है, तमाम अलग अलग जगहों पर भी रोचक मुकाबला है। चित्तौड़गढ़ उदयपुर की भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं मनोरंजन सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे जरा बांसवाड़ा डूंगरपुर मामले को लेकर। मनोरंजन जी, ये जो गठबंधन का ऐलान हुआ है सर, इसमें बाप ये कह रही है कि हम तो बड़े आभारी रहेंगे कांग्रेस पार्टी के। मनोरंजन सर, बीएपी कह रही है हम आभारी रहेंगे कांग्रेस पार्टी के और बड़े मजबूती के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाएंगे, तो बाप तो ये बीएपी तो आभारी रहेगी, लेकिन उन कांग्रेसियों का क्या जो लगातार कांग्रेस के नेतृत्व को फॉलो करते हुए सेम मुद्दों की बात कर रहे थे, मुद्दे वही हैं, अब चेहरा बदल गया तो कांग्रेसियों को दुख तो होगा। ये तो बड़े संकट की स्थिति में जिले में कांग्रेस दिखाई देने लगी है। देखिए, जो कुछ बांसवाड़ा में हो रहा है उसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको और हमारे दर्शकों को बतानी जरूरी है जी। बांसवाड़ा की सीट जो है एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि बांसवाड़ा में कांग्रेस के चार बार के विधायक और सीडब्ल्यूसी मेंबर जो है वो मालवीय जो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उसको वो चले गए बीजेपी में, बीजेपी में उनको ज्वाइनिंग कराया गया, उसके बाद बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। दूसरी ओर बांसवाड़ा में जो राजकुमार रोत की जो रैली हुई थी, नामांकन की रैली हुई थी, वो तस्वीरें पूरे देश भर में एक तरह से वायरल हुई थी। ऊंट पे चढ़ के बहुत भारी भीड़ के साथ राजकुमार रोत जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने आए थे। उसके बाद उस भीड़ के वजह से या फिर जो भी कारण हो, कांग्रेस में इस बात को लेकर के सहमति बनी कि ये सीट जो है वो बीएपी को दे दिया जाए, भारत आदिवासी पार्टी को दे दिया जाए। पहली बार मुझे लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो गठबंधन में गई है, एक कांग्रेस ने सीट लेफ्ट पार्टी को दी है, एक हनुमान बेनीवाल को दी है और एक बीएपी को दी है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस अब ये मानने को तैयार हो गई है राजस्थान में कि जहां पर छोटी पार्टियां जहां पे मजबूत है वहां पे उनको उनके साथ समझौता करना चाहिए। यही बात यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले समझ जाती तो आज उनकी ये हालत, इतनी बुरी हालत राजस्थान में नहीं होती, क्योंकि हमने देखा कि यदि आंकड़ों को हम जोड़ें, कांग्रेस के वोट परसेंट विधानसभा में उतने के उतने ही रहे, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां जो वोट ले गए
उसके चक्कर में कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में यदि जो जिस ढंग से कांग्रेस ने समर्थन का वादा किया है बीएपी पार्टी के उम्मीदवार के लिए, अब नामांकन वापस लेने की आज तारीख खत्म हो गई है, उसके बाद जो स्थिति बनती है यदि अब कांग्रेस का कैंडिडेट खराब ही रह जाता है, वो कितना प्रचार करता है, लेकिन सिद्धांत तौर पे कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो बीएपी को अपना समर्थन देगी, तो एक तरह से विपक्ष को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बांसवाड़ा में ये दांव खेला है। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो इसके वजह से बांसवाड़ा का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प हो गया। बिल्कुल दिलचस्प भी हो गया। और अब एक बार सोमू से भी सर जान लेते हैं, सोमू अभी क्या अपडेट है उस क्षेत्र से, क्या कुछ अभी जो तमाम राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई इस पूरे मामले को लेकर, पृष्ठभूमि मनोरंजन सर ने समझाई है, अब मौजूदा स्थिति को समझ लेते हैं, ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है वहां? देखिए, नामांकन वापस लेने का समय जो है वह बीत चुका है और जो रजिस्टर्ड उम्मीदवार, जो सभी उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था उनकी सूची भी आ चुकी है और उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार का भी नाम है। तो अब देखना दिलचस्प है कि क्या कांग्रेस वहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर में अपने लोगों से, वोटरों से यह कहेगी कि वो हाथ को वोट ना दें बल्कि राजकुमार रोत के चुनाव चिन्ह को वोट दें। सबसे दिलचस्प स्थिति यह हो गई है। देखिए, कल रात में जैसे ही ऐलान हुआ, सुखजिंदर रंधावा ने जैसे ही ट्वीट किया, उसके बाद से ही अरविंद डामोर जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका फोन बंद आ गया और वो किसी अनजान जगह पे, और उसके बाद से लगातार उनको ढूंढा जा रहा था, उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। अब ऐसी स्थिति में वहां पे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में हैं और कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने देश हित में यह निर्णय लिया है, पार्टी आलाकमान का यह निर्णय है और हम सब लोग उनके साथ हैं। अभी खबरें यह भी आ रही हैं कि जो अरविंद डामोर जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया पार्टी के कहने के बावजूद, उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही कि स्थानीय स्तर पर नेताओं में जिस तरह की गुटबाजी है और शुरू से उस सीट को लेकर के जो स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे इस बात का विरोध कर रहे थे कि वह सीट भारत आदिवासी पार्टी को दी जाए। अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस का सिंबल भी जो है वो ईवीएम पर होगा, ऐसी स्थिति में जो लोग कांग्रेस को वोट करते आए हैं वो क्या नए उम्मीदवार को वोट करेंगे या फिर जो निशान की गफलत है वह भी होगी और जो पार्टी कार्यकर्ता है वो वहां पर क्या रुख लेते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसलिए वह चुनाव न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि यह देखना भी बहुत बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वहां पर कांग्रेस हाथ के निशान की बजाय किसी और निशान के लिए वोट मांगेगी। तो इसमें एक बात मैं और मनोरंजन सर आपसे जरा मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि अरविंद सीता डामोर जो अब बताया जा रहा है भाई फोन बंद कर लिया और नामांकन वापस उन्होंने नहीं लिया, तो क्या इस सीट पर कांग्रेस के ये उम्मीदवार ये मान के चल रहे हैं कि ये सीट वो निकाल पाएंगे, क्योंकि सामने महेंद्र जीत सिंह मालविया खड़े हैं। अगर पार्टी गठबंधन करना चाहती थी तो अरविंद सीता डामोर का खुद का कैलकुलेशन आप क्या आकलन कर रहे हैं कि क्या वो ये मान के चल रहे थे कि वो जीत जाएंगे इस सीट से? देखिए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अरविंद डामोर, वो तो उनको तो कांग्रेस ने बीच मझधार में छोड़ दिया। कांग्रेस को पहले से तय करना चाहिए था, इस पार्टी में कोई भी काम जो है समय पे होता नहीं है, तो पहले से तय नहीं किया। जब मैंने कहा ना कि जब राजकुमार रोत का नामांकन होता है उसके बाद जो है चीज़ें तेज़ी से घूमनी शुरू हुई। उसके बाद कांग्रेस को एहसास हुआ कि अरे इतनी बड़ी संख्या में ये नॉमिनेशन करने के लिए आया है तो हमें इसको समर्थन करना चाहिए यदि ये सीट निकालनी है। एक्चुअली कांग्रेस में जो है एक गुस्सा जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय से भी ज़्यादा वो उनको कोई सबक सिखाना चाहता है, इसलिए अपने कैंडिडेट को बैठा करके जो है बीएपी पार्टी को समर्थन कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि ये सीट किसी भी हालत में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नहीं जीतनी चाहिए। उनको जब नामांकन के वक्त लग गया कि राजकुमार रोत के पास जनता है या उनको वोट पड़ेंगे, तो लगा कि यदि हम कांग्रेस का कैंडिडेट रहता है तो ट्रायंगुलर फाइट हो जाएगा और उसमें जो है फायदा कहीं ना कहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिल जाए। तो इसी वजह से कांग्रेस ने अब जो दिल्ली का नेतृत्व है उसने यह तय किया कि हमारा कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस लेगा। लेकिन अब स्थिति है कि नॉमिनेशन तो वापस हुआ नहीं, कैंडिडेट है वहाँ कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी ने उसको निकाल दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया है, वह ईवीएम पे हाथ का निशान भी होगा, कैंडिडेट का नाम भी होगा, लेकिन उसे कोई सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलेगा।
जो जो संसाधन दिए जाते हैं पार्टी की तरफ से वो नहीं मिलेगा। तो लोकसभा का चुनाव एक अकेला आदमी इस ढंग से नहीं लड़ पाता, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि आप छोटा सा क्षेत्र है घूम लेंगे और अपने बल पे निकाल लेंगे। यहाँ पे ढेर सारे संसाधन लगते हैं और इसी वजह से ये चुनाव दिलचस्प अनोखा अपने आप में होगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट निष्कासित है, फिर भी ईवीएम में उसका नाम है, पंजे का निशान है। हाँ। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस जो है वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रही है। बिल्कुल, और दिलचस्प तो होने ही वाला है मनोरंजन सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, और बड़ा मतदाताओं के लिए भी बड़ा एक कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी। श्याम जी, अब मनोरंजन सर ने जिस तरीके से कांग्रेस का जो एक गणित बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के दिमाग में ये बात आई होगी कि अब ऐसा ना करके जरा ऐसा कर लिया जाए तो बात वैसे बन जाएगी, तो ये गणित का जो लाइन है ये तो ठीक सोची कांग्रेस ने। अगर हम देखें कि भाई गठबंधन करके वो चाह रहे हैं कि इस सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालविया को हराया जाए, और बीजेपी का जो 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने का जो प्लान है, एटलीस्ट उसमें एक सेंध यहां से लगाने को कंफर्म किया जाए, तो कांग्रेस का गणित कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ठीक है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जैसा सर ने बताया बहुत सारी चीजें समय पर नहीं हो पाती कांग्रेस में, वैसा ही हो गया है। अब मौजूदा स्थिति का क्या आकलन आप कर रहे हैं श्याम जी? राहुल जी सही बात है, कांग्रेस में निर्णय समय पर होता ही नहीं है, देरी से निर्णय होता है। देखिए, नामांकन भरने का निर्णय भी देरी से हुआ, पहले जिस प्रकार से अर्जुन लाल बामनिया को चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी, नामांकन भरा नहीं, नामांकन भी डमी रूप में। देखिएगा कि वहां का जो यूथ कांग्रेस का महासचिव था अरविंद दामोर ने फॉर्म भर दिया। अब वो देखिएगा, उसकी बहन कह रही थी दामोर के साथ साथ देखिए बागीडोरा, दोनों उम्मीदवार गायब हो गए कल से, उनका फॉर्म स्विच ऑफ आ रहा था। रंधावा ने अपने ट्विटर पे कह दिया कि हम तो रिटायर हो रहे हैं, वहां पर हम समर्थन करेंगे गठबंधन का, आदिवासी पार्टी का भी। कांग्रेस इस बात को जानती है कि केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि आदिवासी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या कांग्रेस को तो जीतेगी नहीं, बीजेपी वाला जीत जाएगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर वाला चित्तौड़गढ़ भी शामिल है उसमें, देखिए वहां चित्तौड़, उसके बाद पाली है, सिरोही जालोर है, और सवाई माधोपुर, 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि आदिवासी प्रभावित करते हैं। अब और रिटायर नहीं होता तो स्थिति खराब हो जाती। अब कांग्रेस की स्थिति की तो खराब कर दी, देखिएगा उसको 6 साल के लिए निष्कासित या तो फिर श्याम सर, या तो इन 6 सीटों पर पहले से ही एक तय हो गई होगी बात कि भाई 4 सीटें आपकी, आप ले लीजिए, 2 हम ले लेते हैं गठबंधन, या तो पहले से इन 6 सीटों पर ये गणित बैठाया गया होता। अब अचानक से अब जागृत हुई है ये कांग्रेस की अंदरूनी अब शक्तियां, और फिर समस्या ये आ गई है कि अब कांग्रेस पार्टी का वो उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन भर दिया और उन्होंने वापस भी नहीं लिया है, अब उनकी स्थिति क्या है? मतदाताओं के सामने भी सोमू एक बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जैसा मनोरंजन सर ने बताया दोनों चुनाव चिन्ह उनके सामने है, कांग्रेस का भी रहेगा, बीएपी का भी रहेगा। कांग्रेस नेतृत्व कह रहा है कि हमें मत देना वोट, आप देना बीएपी को, और स्थानीय नेतृत्व कह रहा है कि हम सामने खड़े, आप हमें वोट दीजिए। तो मतदाताओं के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति हो जाएगी सोमू। बिल्कुल, देखिए मतदाताओं के लिए निश्चित रूप से ये स्थिति जो है वो अजीब और गरीब होगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ईवीएम पे अब वो निशान आना है। हालांकि कांग्रेस के पास एक विकल्प है कि वह जो रिटर्निंग ऑफिसर है वहां पर लिख करके और उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। तो अगर उस स्थिति में दोनों ही सिंबल वहां पर होते हैं तो कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, जो कांग्रेस का आला नेतृत्व है, वह क्या करेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है और आला नेतृत्व है वो इस बात को दोहरा रहा है कि हमारा गठबंधन हुआ है और हम ये चाहते हैं कि वहां पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो ताकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रोका जा सके। लेकिन स्थानीय नेतृत्व ने कई तरीके से विरोध जताया है। हालांकि बाद में जब नामांकन वापस लेने की तारीख बीत गई है, समय बीत गया है, उसके बाद स्थानीय स्तर पर भी नेताओं ने, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नेता हैं, उन्होंने यह कहना शुरू किया है कि हम जो प्रदेश नेतृत्व है, जो आला नेतृत्व है, हम उसके साथ हैं। लेकिन अब उसके साथ होने का मतलब क्या, वो राजकुमार रोड के लिए प्रचार करेंगे, उसके लिए उनके लिए वोट मांगेंगे, यह देखना होगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पे जो पार्टी की गुटबाजी है वो साफ साफ दिख रही है, और यह भी देखना होगा कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है और आला नेतृत्व है, क्या वहाँ के नेता जो है वो राजकुमार रोड के समर्थन में प्रचार के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं, जाते हैं तो फिर क्या कहेंगे,
यह सारी चीजें जो है इस चुनाव को बिल्कुल अनोखा बना रही है, जैसा कि बाबा ने कहा। मनोरंजन सर, अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात करें इस सीट पर, तो वो तो अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनका अपना भी एक बड़ा वोट बैंक है। पर्टिकुलरली अगर इसी सीट की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति को हमने अभी उस पर डिस्कस किया, लेकिन भाजपा की स्थिति पर अगर मैं आप समझना चाहूं आपसे कि भाजपा की स्थिति इस सीट पर अब क्या रहेगी, क्लियर है उनका तो, उनको तो एडवांटेज ही मिला है। बीजेपी ने तो तय कर लिया था, बीजेपी को मालूम था कि उनका कैंडिडेट नहीं जीत सकता है वहां पे, तो इसलिए उन्होंने कैंडिडेट इंपोर्ट किया। और हाँ, आप सोचो कि जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लिया गया तो वो एक रणनीति के तहत लिया गया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये शख्स है जो कि डिलीवर कर सकता है हमारे लिए। तो आप समझो कि चार बार के MLA हो, CWC के सदस्य रहने वाला नेता, और उसके बाद उनका कहना था, आरोप लगाया कांग्रेस पे कि मुझे प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं बनाया जाता है, तो इन सब चीजों के वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो जब वो पार्टी में लेके आए, उसका टिकट भी दिया, तो बीजेपी को लगा होगा कि उन्होंने अपना जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर की ये सीट जो है वो फोर्टिफाई कर ली है, एक तरह से उसको पक्के तौर पर वो अपने हक में मान रहे होंगे। लेकिन वो कहानी में ट्विस्ट आता है, जैसा मैंने कहा था कि BAP की जो पार्टी है उसके साथ कांग्रेस का जाना, राजकुमार रोहत की नामांकन की रैली, ये सारी चीजें जो है, और मुझे लगता है इस चुनाव में कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों के सामने जरूरत से ज्यादा झुकी है। अभी तक कांग्रेस जो है वो किसी की परवाह नहीं करती थी, उसको कहा जाता था कि उसको जो है गठबंधन करने नहीं आता है, गठबंधन वो चुनाव से पहले नहीं करती है। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी, गुजरात में जो है वहाँ भी सीट छोड़ी। तो इस तरह से कांग्रेस जो है को रियलाइज हुआ इस चुनाव में देर से ही सही कि नहीं, सहयोगी दलों को छोटे छोटे पार्टियों के वजह से हम हार रहे हैं, तो उसको उस गलती को सुधारने के लिए BAP के साथ कांग्रेस पार्टी गई है। अब जो है ये चुनाव जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये खुल सा गया है, श्याम जी से बेहतर कोई नहीं जानता, राजस्थान को अच्छे तरह से जानते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव अब ओपन हो गया है, और हम सब रिपोर्टरों के लिए जो नज़र रखते हैं उनके लिए भी काफ़ी दिलचस्प हो गया कवरेज के लिहाज से। बिल्कुल, और श्याम जी मैं तो ये देख रहा हूँ कि केवल कांग्रेस से ही नहीं, बल्कि अगर पूरे विपक्ष को भी अगर हम देखें और अन्य राज्यों में भी अगर एक नज़र हम बहुत जल्दी से घुमाकर वापस राजस्थान में फिर लौटेंगे, तो अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम सपा की स्थिति भी देखें श्याम जी, तो मेरठ सीट पर 3 बार प्रत्याशी बदला, और आखिरी में जा करके प्रत्याशी बदल रहे हैं। अतुल प्रधान को बाद में टिकट दिया, फिर उसके बाद फिर उनका टिकट छुड़वा दिया, फिर वर्मा को टिकट दे दिया। तो विपक्ष की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कहीं ना कहीं तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो तैयारियां हैं उस लिहाज से अगर हम देखें तो पूरा विपक्ष में कई जगह कुछ लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर राजस्थान जब लौट आते हैं तो फिर हम जब चर्चा बांसवाड़ा सीट की कर रहे हैं, और फिर 6 सीटों का आपने जिक्र किया श्याम जी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ भी उसमें शामिल है। अगर ये सीटें ऐसी थी जहां पर गठबंधन करके भाजपा को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती थी, तो फिर अब तक कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बड़े राजनीतिकार मानते हैं, जिनको कई चुनाव लड़ने का अनुभव है, उनका गणित कहां था फिर अब तक? देखिए राहुल जी, क्योंकि हमारे यहीं से राहुल ये क्या देखिए, मुकुल वासनी जो चेयरमैन है, भारती जी कुछ कह रहे हैं, मनोरंजन भारती जी, हम बोल जी सर। हाँ जी श्याम जी, मेरा सवाल इसी में आपको ऐड कर रहा हूँ कि क्या ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो डील हुई है BAP पार्टी का, क्या इसका फायदा कांग्रेस, जो आप बाकी 6 सीटें कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? देखिए भारती जी, मैं तो कह रहा हूँ कि वो कैंडिडेट रात को गायब हुए तो है कहाँ वो, और किस स्ट्रेटेजी के तहत, कहाँ कैसी क्या स्थिति, महेंद्रजीत मालवीय इस चीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनको क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, एक जनरल सेक्रेटरी है यूथ कांग्रेस का, अगर वो नहीं आता है बाहर नामांकन लेने के लिए तो उसका मतलब बहुत कुछ है। अब देखिए, आप नॉमिनेशन करने के लिए भी डमी कैंडिडेट के रूप में आए थे उस दिन में मैं कह रहा था, लेकिन अब अगर नहीं, अब नामांकन नहीं, कांग्रेस की तो फजीहत हो गई ना राजस्थान में, पूरे देश में हो गई कि आपका कहना ही नहीं माना आपका कैंडिडेट, तो ऐसी स्थिति में एक केवल लोकसभा नहीं है, वहां देखिए महेंद्रजीत मालवीय विधानसभा से भी आते थे, वहां का कैंडिडेट भी गायब हो गया, दोनों जगह देखेगा कि कांग्रेस ने अपने आप को गठबंधन में शामिल कर लिया है, लेकिन कैंडिडेट तो आज भी है। अब आप देखेगा कि वहां पर EVM में निश्चित तौर से हाथ का निशान आएगा, आदिवासी तो बहुत पढ़ा लिखा होता नहीं है, वो हाथ के निशान पे दबाएगा,
तो निश्चित रूप से फिर वो कहां जाएगा, वोट क्यों जाएगा, कैसे होगा, इसलिए सीधा फायदा भाजपा को होने वाला है मेरे को लग रहा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में और उसके अलावा बाकी डोरा में। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो चाहती थी वो कर नहीं पाई। अब रंधावा जी कर क्या रहे हैं या अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? देखिए अशोक गहलोत ने अपने बेटे के यहाँ तो बीएसपी वाले को बैठा लिया, लाल सिंह को, वो तो कामयाब हो रहे हैं वहां पर। और आज मैं तो देखिएगा, मैं देख रहा हूँ सचिन पायलट एक नई चीज बोल रहे थे, अब देखिएगा जहां पर देखिएगा उन्होंने सीपीएम से समझौता किया अमरा राम, और वो पाटन में आज गए थे तो वहां पर देखिएगा किसको लेके गए थे, नारायण सिंह के लड़के को लेके गए थे, जिसको कि अमरा राम ने चुनाव हराया था, जिसके उसके पिताजी को नारायण सिंह को। तो वहां पर कह रहे हैं सीधे सचिन पायलट कि भाई विधानसभा के चुनाव में ध्यान रखना, छोड़ देना इसको, जहां से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ता है। तो इसका मतलब है कि अभी से समझौता करें और करें 2028 में कांग्रेस आ रही है सत्ता में, मैं आ रहा हूं। तो ये क्या मजाक हो रहा है, पता नहीं राजस्थान का चुनाव किस ओर जा रहा है, लोकसभा का चुनाव तो हो रहा है लेकिन आगे की रणनीति सचिन पायलट आज जो कह रहे थे दिख रहे थे, मुझे नहीं लग रहा वो क्यों कह रहे थे कि आज ही कह रहे थे कि हमारी तो 2028 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने वाली है, और फिर वो साथ साथ कह रहे थे कि देखिए अमरा राम जी आप विधानसभा के चुनाव में ध्यान करना, गठबंधन में आप इसको छोड़ देना दाता रामगढ़ को जहां पर कि हमारा चुनाव लड़ता है। तो ये सब चीजें अभी से हो रहा है कि गठबंधन हो जाने के बाद गठबंधन के अतिरिक्त प्रत्याशी को ये धमकी भी दी जा रही है कि भविष्य में ध्यान रखना, हमने अभी तो लोकसभा में तुम्हारा साथ दे दिया। और देखिए गोविंद सिंह डोडासरा की बात करते हैं, वो सब जगह मोरिया बुला रहे हैं, मोरिया बिठा रहे हैं, और खुद क्या मोरिया बिठाना ही भूल गए, मतलब सीक्रेट में तो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार नहीं, दूसरा उम्मीदवार का प्रचार करने कल वो आ रहे हैं। तो देखिए लोकसभा के चुनाव निश्चित रूप से बहुत सारी दिशाएं देश को भी देगा और प्रदेश को तो देगा ही। मनोज भारती जी मैं कई बार आपके साथ करता हूँ चर्चा, तो ये बात हो रहा आप तो उस जगह पर है बांसवाड़ा या डूंगरपुर में, शायद डूंगरपुर दिख रहा है, डूंगरपुर में है, तो ऐसी स्थिति में देखिएगा उस जगह का इलाका अलग तरह का, और बांसवाड़ा में वर्चस्व ज्यादा है उसका। मैं भरतपुर में हूँ सर। अच्छा भरतपुर में तो फिर तो भरतपुर का तो और ही अलग बात है, वहां तो देखिए विश्वेंद्र सिंह और किस तरह की स्थितियां बन रही है, वहां का तो बड़ा अलग तरह का माहौल है। लेकिन देखिएगा बांसवाड़ा में तो निश्चित तौर पर महेंद्रजीत मालवी की स्थिति बहुत मजबूत है, और जिसे 84 में से जीत के आते हैं हमारे विधायक है जो राजकुमार रोत है, वो डूंगरपुर और सीमावर्ती इलाके से जीत के आते हैं दोनों का। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी स्ट्रेटेजी बना रही कि हम किसी तरह जीत जाएं, इसलिए उन्होंने देखिएगा कि कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी के सदस्य जो विधायक चुन के आए थे उनको लिया और चुनाव लड़ाने के अंदर सफल हो गए। मनोज सर क्योंकि भरतपुर में आप मौजूद हैं तो जरा भरतपुर, हाँ आप कुछ कह रहे हैं। जी 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 मनोज जी, मैं श्याम जी से अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ। श्याम सर मेरा सवाल ये था कि इस गठबंधन का फायदा क्या, 6 सीटें जो है क्या वहाँ जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन है यहाँ, क्या कांग्रेस को वहां पर इसका फायदा मिल सकता है क्या? भारती जी अभी तो तय ही नहीं हुआ है कि आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में गठबंधन तो गठबंधन के साथ चले गए, लेकिन गठबंधन ने अपने उम्मीदवार हटाए नहीं हटाए, उन्होंने घोषणा नहीं की कि हम कांग्रेस को फायदा दे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो इसलिए अभी तय होना बाकी है कि उदयपुर में क्या होगा, चित्तौड़ में क्या होगा, सवाईमाधोपुर में क्या होगा, या जालौर सिरोही और पाली में क्या होगा, अभी तय होना बाकी है। क्योंकि अभी तो गठबंधन जो राजकुमार रोत या उनके राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता कहें कि हाँ हम कांग्रेस के साथ बाकी जगह साथ देंगे और कांग्रेस हमारा साथ दे, अभी तो बोलना बाकी है। अभी तो आदिवासी पार्टी बोले तो सही कि क्या हुआ, क्योंकि आदिवासी पार्टी कहेगी आपने हमसे गठबंधन की बात तो कही लेकिन आपका उम्मीदवार तो खड़ा है। तो ये सब चीजें बहुत पेचीदगी बन गई है, अभी पेचीदगी का जवाब निश्चित तौर पर कलिया परसों में मिल पाएगा। ठीक है, और क्योंकि मैं अब समय अब वाइंड अप करने का है तो बस एक बार, क्योंकि भरतपुर में ही मनोरंजन सर भी मौजूद हैं, भरतपुर में सर मुकाबला कोहली वर्सेस जाटव का है बीजेपी की तरफ से, वहाँ रामस्वरूप कोहली हैं, संजना जाटव कांग्रेस उम्मीदवार हैं, भरतपुर की स्थिति पर एक लाइन आपकी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अलवर से होता हुआ भरतपुर आया मैं, और दोनों जगह जो है सो मजेदार चुनाव होने वाला है, कल इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार का चुनाव राजस्थान जो है वो काफ़ी काफ़ी सरप्राइजेज आपको आपको दे सकता है ये दोनों एरिया, चूँकि भरतपुर से मुख्यमंत्री भी आते हैं तो काफ़ी कुछ मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर जो है वो दांव पे लगी हुई है साख एक तरह से कहें तो। आपको ये दोनों क्षेत्रों में आपको बहुत मज़ा आएगा आप यदि कभी इधर आते हैं तो, क्योंकि क्योंकि एक आपका मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कोई केक वॉक नहीं है यहाँ पर।
बिल्कुल, और कहाँ कहाँ पर ये संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी मनोरंजन सर, लगातार जब अपनी यात्रा पे निकले हैं तो हमें उनका अपडेट उनकी तरफ से मिलता रहेगा और ग्राउंड की स्थिति बताने के लिए ही वो वहाँ पहुँचे हैं। सोमू, आप भी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका भी कर रहा हूँ, समय आपको मैं कम दे पाया, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोरंजन सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आप सफर के बीच में इस शो में जुड़े, तमाम जानकारी आपने भी दी, शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी। लगातार आज के दाव में हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के चुनावी समर की बारीकियों पर, अलग अलग सीटों पर क्या स्थिति है। आज की चर्चा बांसवाड़ा डूंगरपुर पर थी, साथ साथ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर जैसे लोकसभाओं में भी क्या स्थिति है, उसका भी आपको यहां से अपडेट मिला होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मेरा नाम था राहुल भारद्वाज, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान, नमस्कार।